हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, आपको वीडियो के थंबनेल में पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूं। आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्री पद का पदभार दिया गया है। ये वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने सभी मंत्री के साथ उनके मंत्रालय के साथ जो है मंत्री की फ़ोटो अटैच कर दी, जिससे कि आप आसानी से उनका नाम याद कर पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ एक एक करके कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्री पद दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। अगला देख पा रहे होंगे अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे नितिन गडकरी, उन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भी दिया गया। दो विभाग है उनके पास। उसके बाद सदानंद गौर को रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण को वित्त एवं कॉरपोरेट मामले में मंत्रालय दिया गया है। अगर हम एस जयशंकर की बात करें तो उन्हें विदेश मंत्रालय दिया गया है। रामविलास पासवान को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, यानी कि उनके पास FCI डिपार्टमेंट जो पहले थी वही रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज दिया गया है। वहीं रविशंकर प्रसाद कानून एवं न्याय के साथ संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण भी संभालेंगे। हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। अगर रमेश पोखरियाल की बात करें तो उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है HRD, वो दिया गया है। थावरचंद गहलोत को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मामले में मंत्रालय दिया गया है। अर्जुन मुंडा को आदिवासी मामलों का मंत्रालय बनाया गया है। स्मृति ईरानी को महिला विकास एवं कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। अगर डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर को पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन और सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया है। पीयूष गोयल रेलवे संभालेंगे, साथ ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उनके पास होगा। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम एवं गैस इस्पात मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया गया है। प्रहलाद जोशी संसदीय मामले एवं कोयला और खान मंत्रालय देखेंगे। महेंद्रनाथ पांडे कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय संभालेंगे। अरविंद सावंत भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय देखेंगे। गिरिराज सिंह के पास पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय होगा। संतोष गंगवार के पास श्रम और रोजगार मंत्रालय होगा। राव इंद्रजीत सिंह के पास सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन और नियोजन मंत्रालय होगा। श्रीपद नाइक के पास आयुष मंत्रालय होगा। साथ ही रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री भी होंगे। जितेंद्र सिंह तोमर को पूर्वोत्तर विकास का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वहीं PMO के क्रामिक एवं जन शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय के राज्य मंत्री भी होंगे। किरण रिजिजू युवा मामले में खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, अल्पसंख्यक मामले के राज्य मंत्री होंगे। वहीं प्रहलाद पटेल को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। RK सिंह बिजली एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्वतंत्र प्रभार, कौशल विकास एवं उद्यमता में राज्य मंत्री का पद संभालेंगे। हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडिया को जहाज मंत्रालय एवं रसायन उर्वरक राज्य मंत्री बनाया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते को इस्पात राज्य मंत्री बनाया गया है। अश्वनी चौबे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के राज्य मंत्री पद पे होंगे। जनरल रिटायर्ड सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग में राज्य मंत्री के तौर पर काम संभालेंगे। कृष्णपाल गुज्जर सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के राज्य मंत्री होंगे। दानवे राव साहेब उपभोक्ता मामले एवं खाद एवं सार्वजनिक वितरण में राज्य मंत्री का पद देखेंगे। जी किशन रेड्डी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला कृषि किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। रामदास अठावले सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण में राज्य मंत्री होंगे।
साध्वी निरंजन ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का पद संभालेंगे। बाबुल सुप्रियो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन में राज्य मंत्री का पद संभालेंगे। संजीव कुमार बाल्यान पशुपालन डेयरी मत्स्य एवं राज्य मंत्री संभालेंगे।